बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। दीन पर हमले का हुक्म किसी कीमत पर नहीं मानूंगा मैं, और इस मामले में किसी की मदद भी नहीं करूंगा। याद रहे, मैं अर्तुरुल का बेटा उस्मान हूं। मंगोलों से हार नहीं मानी मैंने। मेरा बहादुर बेटा, तुम सिर्फ मुसलमानों से जंग करके दरवाजे खोल रहे हो अपने लिए जहन्नुम के। यहां तब तक हुकूमत नहीं कर सकते जब तक मुसलमानों का ताल्लुक दीन से नहीं तोड़ देते। जब हम अपनी मशरिकी सरहद को महफूज बना लेंगे तो फिर अगला हदफ होगा मगरिब। अर्तुरुल यहां जरूर आएगा, लेकिन गड़बड़ भी हो सकती है। याद रखना, अर्तुरुल से किसी भी हाल में इत्तेहाद नहीं तोड़ना। अर्तुरुल, सिपाहियों से कहो कि हथियार नीचे करें, संदूक की तरह सोना भी तलाश कर लूंगा। वरना न तुम यहां से जिंदा जा पाओगे और न ही सोना मिलेगा तुम्हें। भाई ने सुलेमान को जिंदान में डाल दिया था, मगर वो फरार हो गया। उसकी मौत का हुक्म जारी हुआ है। सुलेमान महफूज है, वो काराहयुग के गार में मौजूद है। अगर तुमने जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई होती तो ये इस तरह जिंदा नहीं जा सकता था यहां से। संदूक और सोना हासिल करने में तुम नाकाम रहे। अपनी नाअहली की वजह से मुस्तकबिल में बहुत कुछ गंवा दोगे। तुम्हें दिखता नहीं है क्या, खच्चर की चाल की तरह आड़े टेढ़े नक्श बनाए हैं। ये रिवायती नक्श हैं जो ऐसे ही बनाए जाते हैं। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, हर बात का। काश तुम अपने हाथ भी ऐसे ही चलाओ जैसे तुम अपनी जबान चलाती हो हमारे सामने। कितनी बदतमीज है ये। आप लोग सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है सरमा खातून। क्या मतलब है तुम्हारा? आप कैसे मतलब पूछ सकती हैं इलबिल के खातून? सुबह से हम सब खवातीन काम में लगी हुई हैं। हमारी मेहनत और लगन को सराहने के बजाय आप दोनों हमारी गलतियां निकाल रही हैं। कोई बच्चों का खेल नहीं है ये कालीन बनाना।
इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है। अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकती तुम लोग तो बेहतर है कि मुंह बंद रखो अपना। अच्छे और बुरे का फर्क मुझे ना बताएं। जब तक मैं कबीले की खवातीन के उमूर की निगरा हूँ, हुक्म मानना पड़ेगा मेरा। कालीन का मयार अच्छा नहीं है, इसकी बुनाई दोबारा कीजिए। हरगिज नहीं, हम दोबारा बुनाई नहीं करेंगे। मेरा हुक्म है ये, समझी? इसकी बुनाई दोबारा होगी, बात खत्म। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि दोबारा बुनाई जरूरी है तो अपनी बहन को लेकर उस खड्डी पे जाकर बैठो और दोबारा बुनाई शुरू कर दो, और अच्छी ना लगे तो उधेड़ कर दोबारा बुनना। हम इससे हाथ भी नहीं लगाएंगे, बिठा लो अपने दिमाग में। तो मेरा हुक्म नहीं मानेंगी? ये आखिरी फैसला है आपका? हाँ, आखिरी फैसला है मेरा। तो जाओ और अपने बेटे को ढूंढो, और अपने बुजदिल शोहर को भी जो पहाड़ों में छुपा है। ज़बान संभालो। सलजान खातून, खुद पर काबू रखिए, बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं अब। अरे देखो ये नकारा क्यों बज रहा है? खैर ये तो कि इंशाल्लाह। अर्तुरुल भाई समझाएंगे। बेटा, या अल्लाह मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद सरदार। बहुत शुक्रिया आतुर भाई। मेरे बच्चे, बमसी,
मेरा उस्मान। खुशामदीद भाई, बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा। कैसे हो मेरे बच्चे? उन जालिमों ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी? बाबा की तलवार ने उन्हें तहस नहस कर दिया दादी। अर्तुरुल। वालिदा। भाई। खुशामदीद मेरे बच्चे। बहुत शुक्रिया वालिदा। कबीले में खुशामदीद मेरे बच्चों। तुम्हारी तलवार इसी तरह जालिमों को फना करती रहेगी इंशाल्लाह अर्तुरुल। बहुत शुक्रिया। आप यहां खेमे के बाहर क्यों खड़ी हैं वालिदा? बेबुलात ने हमारे औताक में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सरदार आला बनते ही उसने हमारा जीना दुश्वार कर दिया। एक तरफ वो गद्दार था और दूसरी तरफ उसकी बहनें। ताक में आप दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि बेबुलात सरदार ने यही हुक्म दिया है। तो बराए मेहरबानी इस हुक्म की खिलाफ वर्जी ना कीजिएगा। मैं नहीं मानता ऐसे किसी हुक्म को जो इंसाफ के तकाजों को पूरा ना करे। अगर दोबारा मुझसे कभी इस लहजे में बात की तो मेरी तलवार रुकेगी नहीं तुम्हारी गर्दन पर। हम तो मजबूर थे अर्तुरुल सरदार, जो भी हमें हुक्म दिया जाता है हम उसके पाबंद होते हैं। मंगोलों की ताकत के जोम में दोबारा हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत ना करना कभी। अलंजक भी चाहे तो मेरा औताक नहीं छीन सकता मुझसे। अपने सिपाहियों को लो और चले जाओ यहां से। अपने सरदार से कहना उस जैसे कंकर की औकात नहीं कि मुझ जैसे पहाड़ का वो मुकाबला कर सके।
जाओ। शुक्र है आपने तलाश कर लिया उस्मान को और इसे बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन उस अलंचक मलून के हाथों से आपने कैसे बचाया खुद को? मैंने अपनी तलवार से एक गिरह काटी और फिर दूसरी लगा दी। वो जानते हैं कि उस गिरह को मैं ही खोल सकता हूं सुलजान खातून। भाई खुशकिस्मती से उस्मान आ गया। शुक्र है कि आप लौट आए। लेकिन सुलेमान का कुछ मालूम नहीं। क्या आप जानते हैं कि वो कहां है? परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने भतीजे को बेसहारा नहीं छोड़ सकता मैं। सुलेमान बिल्कुल महफूज है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्र। कहां है वो भाई? फिलवक्त इतना ही जान लेना काफी है कि उसे कोई खतरा नहीं। आप जैसे इनकलाबी फनकार ही हमारे हौसलों को बढ़ाते हैं ओजान। अपनी आवाज को बुलंद करें ताकि दुश्मन जान ले के ना खामोश कर सकेगा, ना रोक सकेगा और ना ही हमें शिकस्त दे सकेगा। सरदार, जो आपका हुक्म। Taşa öptürüp Duman gibi şu dağları bürüyüp Deryalara selam resmi yaptırıp Göklerdeki bulut gibi yürüyüp Yürüyüp alplar yürüyüp Yürüyüp alplar yürüyüp Duman gibi şu dağları bürüyüm Göklerdeki bulut gibi yürüyüm Boşaydı bak oklarının sesine Ya dillerin yıldırımı şimşeği Çöller gibi kurumaya başladı Seni gören cellatların bileği Yürüyün altlar yürüyün Yürüyün altlar yürüyün Duman gibi şu dağları bürüyün Göklerdeki bulut gibi yürüyün
karşıdaki duman çıkan bacadan Sen gelmeden iniltiler çıkardı Gecikseydin mazlumların feryadı Yeri gökü kainatı yakardı Yürüyün alplar yürüyün Yürüyün alplar yürüyün Duman gibi şu dağları bürüyün Göklerdeki bulut gibi yürüyün Yürüyün alplar yürüyün Yürüyün alplar yürüyün हम आगे बढ़ेंगे इसलिए कि हम बहादुर अजदाद की वो औलाद हैं कि सूरज जिसका परचम और खैमा आसमान है हमारे लिए मिसाल तारीख की वो शबी है जो हजारों साल पुरानी है हमारे ईमान और यकीन की बदौलत हमारे अजदाद की ये मिसाल हमें हजारों साल आगे तक ले जाएगी हम चलेंगे हमारा हर कदम जालिम का सर कुचलने के लिए उठेगा अपनी आंखों को अगर आज बंद कर लिया तो कल ये हमें आंखें नहीं खोलने देंगे हथियार नहीं डालेंगे किसी सूरत भी हम हथियार नहीं डालेंगे खौफजदा नहीं होंगे हम मायूस नहीं होंगे हम पीछे नहीं हटेंगे पीछे नहीं हटेंगे इस रास्ते पर अगर इख्तिलाफात का शिकार हो गए तो अपनी तलवार से खुद अपनी गर्दन उड़ा देंगे ये काली आंधी की तरह आए थे हम इनको काली मिट्टी में दफनाएंगे हम अपनी तलवारों से इनका सफाया करेंगे 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 माशाल्लाह मेरे बहादुर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मैंने उसका एक खैमा क्या लिया तो वो मेरे मद्दे मुकाबिल आ गया सरदार उसने सबके सामने बेइज्जती की उसने कहा कि तुम जैसे कंकर हम जैसे पहाड़ों से नहीं टकरा सकते वो जब ये सब बोल रहा था तो तुम्हारी जबान पर क्या ताले लग गए थे हाँ मैं उन्हें चीर कर फेंक दूंगा उसके बाद वो देखेंगे कि कौन कंकर है और कौन पहाड़ अब तक सुलेमान भी नहीं मिला वो जल्द मिल जाएगा हर जगह ढूंढ रहे उसे ये मत कहो कि ढूंढ रहे हैं ढूंढ लिया ये सुनना है मुझे उसके जरिए मैं उन्हें अजियत देने का आगाज करूंगा यिनाल अब जाओ जल्दी अर्तुरुल ने अलंजक के शिकंजे से छुटकारा पा ही लिया अब तो काई कबीला हमारा हुक्म नहीं मानेगा हमने उनकी दोस्ती और रिश्तेदारी की वजह से उनका एहतराम किया अगर मैं ना होता तो अलंजक उनका सर कलम करके फेंक चुका होता लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा दुरुस्त कहा आपने हमें फौलाद की तरह सख्त बनना है मोम की तरह नरम हरगिज नहीं
सरदारे आला का मनसब जाने के बाद भी अकड़ खत्म नहीं हुई उनकी। हाइमा खातून और सलजान का रवैया देखा नहीं है आपने? हमेशा नाफरमानी करती हैं आपके हुक्म की। अपने बेटे के फरार होने पर भी बहुत खुश हैं। अपने सरदारे आला के साथ और कितनी गद्दारी करेंगी वो? काई के लोगों को बताऊंगा कि किसके पास ताकत है, मजबूती और हिम्मत है। मैं उन लोगों के लिए भयानक ख्वाब बन जाऊंगा। वो मुझे जानते नहीं है। अभी हर तरफ खून बहेगा। वो बदकिस्मती से फरार भी नहीं हो पाएंगे। और तुम उन खवातीन को छोड़ना नहीं। तुम दोनों सरदार की बहनें हो। कमांडर अलंजक ने तुम्हें ही ओहदा दिया है। उनके साथ कोई हमदर्दी मत बरतना। कालीनों का काम जल्दी मुकम्मल कराओ। हलाकू खान का पैगाम आया है भाई। मंगोलों का बाजंतीनियों के साथ मुहायदा था। बाजंतीनी मुहायदे के मुताबिक सुल्तान कैकाउस को मंगोलों के हवाले करने के पाबंद है। हलाकू खान ने कैकाउस को लाने के लिए पैगाम में ये जिम्मेदारी अलंजक के सुपुर्द की है। इज़्ज़तीन कैकाउस का भाई रुकनुद्दीन किले जरसलान के साथ कार्य हुकूमत अंजाम देता है। किले जरसलान ने जब मंगोलों को अहमियत देने से इनकार किया तो उसे मनसब से हटा दिया गया। भाई कैकाउस ने अपनी रूह मंगोलों के हवाले नहीं की, इसीलिए उसे धोखा दिया गया। लेकिन तैश में आकर वो एक बहुत संगीन गलती कर बैठा। हालांकि तुर्क कबाइल में उसका बहुत एहतराम था, लेकिन पनाह हासिल करने बाजंतीन की जानिब चला गया। वो एक तरफ मंगोलों के सामने एक जिद्दी सुल्तान था जो कभी अपने काबिल और जहीन वजीरों की बात नहीं सुनता था, और दूसरी तरफ था बाजंतीन में पनाह के लिए जाने वाला कैकाउस। आखिर हमारी रियासत में यह सब कुछ क्यों हुआ भाई? हर कोई सिर्फ अपने जाती मफाद को मुकद्दम रखता है, लेकिन रियासत की भलाई किस चीज में है यह बात कोई नहीं सोच रहा। तुर्कुत, अगर ये लोग मुश्तरिका मफादात को पेश नजर रखते तो ये हालात कभी ना होते। हलाकू खान को कैकाउस क्यों चाहिए भाई? कैकाउस को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि उसने हमेशा सबके मफादात का ख्याल रखा। हलाकू खान उसके पीछे इसलिए पड़ा है ताकि कैकाउस को मोहरा बनाकर मंगोलों के खिलाफ बगावत करने वाले तुर्क कबाइल को अपने काबू में कर सके। तो हम हुक्मनामे को तब्दील करके उन्हें इस कार्रवाई से रोक देंगे, ठीक कहा ना भाई? हम ऐसा नहीं करेंगे। इस हुक्मनामे को अलंजक के पास इसी तरह जाने देंगे। तुर्कुत, मक्तूब अलंजक के पास क्यों जाने दे भाई? हमें तो उसे रोकना चाहिए ना। अलंजक के खिलाफ पहली चाल चलकर उसकी साख को नुकसान पहुंचाना है। बमसी, अलंजक को मारने के लिए और मंगोलों को यहां से निकालने के लिए सिर्फ उन्हें मारना और जंग करना काफी नहीं। जितने भी मरेंगे उससे ज्यादा तेजी से और आ जाएंगे। इसी सबब हम अलंजक की साख खराब करके उस पर एतबार को कम कर देंगे। उसे मिलने वाली जिम्मेदारी पूरी नहीं करने देंगे ताकि जब हम उसे मारें तो यह काम हमारे हक में जाए। उसे जो भी हदफ दिया जाएगा उसमें उसे नाकाम करेंगे। अगर अलंजक कैकाउस के मामले में अपनी जिम्मेदारी में कामयाब न हो सका तो एक नाकाम कमांडर कहलाएगा। और अगर कैकाउस मंगोलों पर असरअंदाज हो गया तो यह बात तुर्क कबाइल के मफाद में होगी। हमें वो काम करना है जो हमारे दुश्मन के हौसले को कम कर दे। अलंजक यहां से कैकाउस को लेने जाएगा, लेकिन उसके वहां जाने से पहले हम
कि कब उसको उसकी पहुंच से दूर कर देंगे। अलंजक की हालत देखने वाली होगी भाई, जैसे कीचड़ में गिरे हुए रीछ की होती है। उसकी शोहरत और नाम को खाक में मिला देंगे। गुरूर और तकब्बुर के साथ यहां आने वाला अलंजक धूल और मिट्टी बन जाएगा। यह हुक्मनामा सुबह अलंजक को मिल जाना चाहिए मार्गन। जो हुक्म भाई। जांगुच को जाकर खबर दे दो कि मुझे घाटी के पास मिले, उससे जरूरी काम है। अनातोलिया जब तक मुकम्मल आजाद नहीं हो जाता, उनकी हैसियत शेरों के दस्तरखान पर गीदड़ जैसी रहेगी। अगर तुमने यहां बिलावजा आने की जरूरत की है तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। हलाकु खान का पैगाम है। फरमान आया है जनाब। आज एक बहुत मुबारक दिन है। वो रूह है जो जन्नत में है और जो जमीन पर है, उनके लिए हुक्म आया है। क्या कोई खास हुक्म है? बहुत खास। बाज़ंतीनी के काउस को हमारे हवाले करने वाले खानों के खान हलाकु खान ने यह जिम्मेदारी, मुकद्दस जिम्मेदारी, मुझे सौंपी है। संदूक मिल गया। अब ये मुकद्दस जिम्मेदारी भी हलाकु खान ने आपको दी है। जब आप ये काम सर अंजाम देंगे तो आपका मकाम उनके बेटे अबका के दर्जे पर होगा। मैं हलाकु खान के परचम के सूरज की तरह हूँ, और जब मैं सलजूक सुल्तान को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दूंगा तो हलाकु खान मुझे इनाम देंगे। मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये हुक्म बजा लाऊं और उसके बाद तबरेज रवाना हो जाऊं और हलाकु खान के साथ बैठ जाऊं। संदूक और ककवूस उनकी खिदमत में पेश करूं। तब तक महसूल का सोना भी अर्तुरुल ला चुका होगा। तुम अपने सिपाहियों के साथ कहकर वो उसकी हिफाजत करोगे। गलती की गुंजाइश नहीं। मैं बेबुलाद को तफसीली हिदायत और अहकाम देकर फौरन ही तबरेज रवाना हो जाऊंगा।
सबसे छुपकर आया हूँ सरदार, आपका हुक्म था, हाजिर हो गया। लेफ के किले में ड्रैगोस के पास जा सकते हो जांगुच। पादरी साहब ने मुझे एक बार किले भेजा था सरदार, लेकिन ड्रैगोस से मिलने देंगे या नहीं नहीं जानता मैं। ड्रैगोस को बता दिया था कि तुम्हारे जरिए उससे राब्ता करूंगा, एक जरूरी पैगाम पहुंचाना है उस तक। फौरन ड्रैगोस के पास जाओ, कहो कि 10 बेहतरीन आदमी मेरे पास रवाना कर दे, उन्हें भेज बदलकर कुस्तुनतुनिया में मुझसे मिलना होगा। अगर पूछे कि क्यों तो क्या कहूं उससे? अलंजक पर पहला वार करना है ये कहना। इसके हवालगी के सबूत पर मोहर लगा दें। तुम्हें गुलाम की तरह फरोख्त कर दिया गया के कबूस, और अब तबरेज तक तुम्हें नंगे पांव लेकर जाऊंगा। ऐसा करने की सिर्फ एक ही आदमी जुर्रत कर सकता है, अर्तुरा। आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं अर्तुरा सरदार।